हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ACC। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 5, इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस लेक्चर को और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम सब लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसे बेहतरीन गाने से जो आप सब लोगों ने बार बार सुना होगा, और वहाँ से उस गाने से जो है और उस म्यूजिक से हमारा जो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना और उसको हम लिंक करेंगे। डाल डाल सोने की चिड़िया करता पसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डालता तेरा। तो आपने देखा बार बार, हर एक बार जो ये डिस्कशन हो रहा है इस म्यूजिक में और बार बार जिक्र हो रहा है, क्या हो रहा है? गोल्डन गोल्डन बर्ड, मतलब हमारा हिंदुस्तान जो था, हमारा इंडिया जो था, वो गोल्डन बर्ड था। अब इस गोल्डन बर्ड को और भी नंबर्स के एंगल से अगर हमें समझना है तो 2 साल का जिक्र अगर हम करें, एक तरफ 1700 की बात करें जो ब्रिटिश से पहले का पीरियड है, और दूसरी तरफ अगर 1952 की बात करें, 1700 और 1952 की बात करें, जहां 1700 में हमारा इंडिया का जो इनकम था वर्ल्ड के इनकम का 22.6% था। क्या था? 22.6% था, मतलब 1/5 से भी ज़्यादा। 1/5 20% हो गया, 20% से भी ज़्यादा 22.6, तो हमारा 1/5 से भी ज़्यादा था। पूरा वर्ल्ड अगर 100 रुपया कमाता था तो हमारा उसमें शेयर कितना था? 22.6। और वह 1952 तक जाते जाते जो हो गया वह कितना हो गया? 3.8%। कितना हो गया? 3.8%। अब देखिए कहाँ 22.6, कहाँ 3.8। इस दोनों के बीच में, इस पीरियड के बीच में अगर एक ही मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहा, एक ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहा, वह क्या रहा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे हिंदुस्तान को बद से बदतर में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ सोने की चिड़िया, कहाँ सोने की चिड़िया, और कहाँ ये वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ पुअरेस्ट इकोनॉमी कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमें इस चीज़ को समझना कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो हम 22.6% वर्ल्ड के इनकम का शेयर रखते थे, दमदार शेयर रखते थे, वो आते आते 3.8% हो गया। इसको हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का बेसिकली क्या होता है? दो पार्ट होता है। क्या होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है इंपोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक होता है इंपोर्ट और दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्ट। अगर आज के डेट में चाइना भारत से स्ट्रांग है, चाइना वर्ल्ड का एक स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी है, वह इसके लिए है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट जो है वह इंपोर्ट से ज्यादा है। अगर आपका सिंपली मायने में एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ बाहर के देशों से खजाना आपके कंट्री में आएगा, आपके देश में आएगा। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका खजाना बाहर के देशों में जाएगा। तो जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आया था उसके आसपास की बात करें, जब मुगल संतनत की समाप्ति के कगार पे पहुंचा था उस टाइम की बात करें, तो हमारे पास कोई मेजर इंपोर्ट नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ हम तो वही इंपोर्ट करते थे, मसाला इत्यादि का सामान। कोई मेजर इंपोर्टर हम नहीं थे, लेकिन हम मेजर एक्सपोर्टर थे साहब। पूरे वर्ल्ड के मार्केट में हमारा जो कपड़ा था, कॉटन एंड टेक्सटाइल का, उसने क्या था? तहलका मचाया था। क्या था? तहलका मचाया था। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट जो था वह इंपोर्ट से ज़्यादा था अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेज आया था। तो चूंकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, हम इतना अन्न जरूर उपजा लेते थे, फूड ग्रेन इतना हो जाता था कि हमारा साल भर का काम हो जाता था, वो पेट भरा हुआ है, बाहर के एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा कंट्री जो है बेटर एंड बेटर एंड बेटर बन रहा था। और इसी की वजह से जो था हमारा कंट्री क्या था? गोल्डन बर्ड था।
इसी की वजह से, बिकॉज वी वेयर एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री, इसी की वजह से ये मेन रीजन था जिसकी वजह से हम गोल्डन बर्ड थे। अब बात यह समझना है, बात अच्छे से समझना है कि यह तो कारण था अंग्रेजों ने इस जो स्ट्रक्चर है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री था, उसको ऐसा क्या डैमेज कर दिया अंग्रेजों ने जिससे हमारा बद से बदतर 22.6 से कहाँ पे पहुँच गया, 3.8 पहुंच गया। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या पॉलिसीज लाए, अंग्रेजों ने ऐसा क्या हम पे रूल थोपा, अंग्रेजों ने ऐसा क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर लेट डाउन किया कि हमारा सिचुएशन बद से बदतर हो गया, इसको समझने के लिए इस पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला बात तो यह था कि ब्रिटिश जो था वो मोनोपोली कंट्रोल था हमारे एक्सपोर्ट, ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उस पे पूरा दबदबा किसका था, ब्रिटेन का था। अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। और दूसरा वाला जो था, हम क्या थे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स का क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और रॉ मटेरियल को हम लोग अपने देश से बाहर भेजते थे। ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा वाला जो है वह क्या है, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि इंडिया के वेल्थ का जो ड्रेन है, जो एकदम पूरा बह के जो यहाँ से निकल गया, उसका 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कैसे इस स्ट्रक्चर को, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, उसको क्या कर दिया, डैमेज करके बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया। सबसे पहले तो आपने यह समझा होगा कि जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो क्या किया था, यह इंडिया है, क्या है, यह आई मतलब इंडिया, यह बी मतलब क्या, ब्रिटेन, और यह क्या हुआ, FM मतलब क्या हो गया, फॉरेन मार्केट। तो इसने क्या किया था कि जब भी हम कोई इंडिया कोई बाहर में एक्सपोर्ट करता था फॉरेन मार्केट में, तो ये ब्रिटिश वाले ने हमारे सामान पे और एक्सपोर्ट पे क्या किया था, हैवी ड्यूटी लगा दिया था। पहली बात तो यह समझ लीजिए, मतलब हमारे एक्सपोर्ट को कॉस्टली कर दिया था, और चूंकि यह महंगा हो गया तो बाहर के मार्केट में इसका कॉम्पिटिटिवनेस जो है कम हो गया, तो यह हैवी ड्यूटी लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जब भी वो अंग्रेज ब्रिटेन की बात करते हैं, जब इंडिया से कोई सामान वो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल का, जब यहाँ से एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल का, उसको क्या कर दिया, पूरा फ्री कर दिया, क्या कर दिया, पूरा फ्री मतलब नो ड्यूटी, क्या कर दिया, नो ड्यूटी। उसके साथ साथ ये रॉ मटेरियल आ गया, और यहाँ पे तो आपको मालूम है कि क्या हो रहा था, यहाँ पे तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और उसका पीरियड था 1760 से 1860, ये पूरा उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, हिंदुस्तान से लेके गया बिना कोई टैक्स के, बिना कोई ड्यूटी के, वहाँ पे पहुँच गया। अब रॉ मटेरियल से क्या करेगा, इस जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यूज़ करके क्या किया, फाइनल गुड्स बनाया, और फाइनल गुड्स बना के दोबारा जो है यहाँ पे क्या होता था, इम्पोर्ट होता था, और इसमें भी कोई ड्यूटी नहीं लगाता था, क्या होता था, इसमें भी कोई ड्यूटी नहीं लगाता था। अब यह क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स
ये इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स में भी कोई ड्यूटी नहीं लगा रहा था, जबकि उसके सामने में हमारा जब क्योंकि सामान बाहर में होता था वो क्या करता, हैवी ड्यूटी। मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, पूरा का पूरा जो कंट्रोल था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वह ब्रिटेन ने किया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर था कि मोर देन 50% क्या है, मोर देन 50% जो इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, क्या था, इंडिया का इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, मोर देन 50% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था वह कौन कंट्रोल कर रहा था, वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था। इसके लिए तो बोले यहां पे कि जो मोनोपोली कंट्रोल किया, मोनोपोली क्यों, क्योंकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया को जो दोबारा इंपोर्ट हो रहा था, उसका पूरा का पूरा जो है 50% से ज्यादा ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था। अब वह मालिक था, वो व्यापारी के साथ साथ हमारे देश को तो वही चला रहा था। तो अब ये जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्ट्रक्चर हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, मोनोपोली कंट्रोल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जब यह नेट एक्सपोर्टर यहाँ से हो रहा था, इंडिया से ब्रिटेन में जो सामान जा रहा था और यहाँ से जो आ रहा था आरएम रॉ मटेरियल जा रहा था और फाइनल गुड्स आ रहा था, इसमें एक घटना ऐसा हुआ इतिहास में जो हमारे लिए एक जो है गले की हड्डी बन गया। और वह घटना था 1869 का ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो उनको उनको साउथ अफ्रीका से होके, अगर आप थोड़ा भी अगर मैप मालूम होगा कि पहले ये अगर हमारा इंडिया है तो यहां पे क्या था, लंदन था, और ये रास्ता इधर जो था पूरा नहीं था, तो यहां से कैसे होता था, ये पूरा लैंड वेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से ये इंडिया से और यहाँ पे लंदन है, तो यहाँ से ऐसे से मतलब जाता था, ये साउथ अफ्रीका का एरिया था। लेकिन जब स्वेज कैनाल क्या हुआ, स्वेज कैनाल के आने से इनका जो डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्टली हो गया, क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया। ये जो डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस था, वह देखिए ये 1869 से ही हम निकाल लेते हैं, जो मुंबई से क्या है, मुंबई से लंदन, मुंबई से लंदन का जो डिस्टेंस था वह क्या था, पहले कितना था, ये 1869 में से देख लीजिए, 19,800 किलोमीटर। कैसे निकाले, 198 का यूज करके, 6 का यूज अभी नहीं किए, तो 19,800 किलोमीटर, ये आपको याद रखने में भी आसान होगा, 19,800 किलोमीटर से कितना हो गया, 6 बचा हुआ है, तो 11,600 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर हो गया। 19,800 किलोमीटर जो पहले का स्वेज कैनाल नहीं था, तब ये वाला रास्ता जो था वह कितना था, 19,800 किलोमीटर था, और यह वाला रास्ता का जो डिस्टेंस हो गया 11,600 किलोमीटर। मतलब यह हुआ कि 8,200 किलोमीटर का फायदा हुआ, रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 8,200 किलोमीटर जो है वह रिड्यूस हो गया। इसका फायदा क्या हुआ कि जो इंडिया से ब्रिटेन का कम समय लगेगा, देखिए 8,200 और या 19,000, मतलब क्या मोटा मोटी 50% से थोड़ा, मतलब उसके आसपास 9,000 होगा, और 9,000 8,000, मतलब मोटा मोटी 50% के आसपास डिस्टेंस कम हो गया। जब 50% डिस्टेंस इस दोनों के कम हो गया तो शिप को जाने में कम समय लगेगा, कम खतरा रहेगा, बार बार इधर से उधर होगा, मतलब वॉल्यूम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया, और यह हमारे लिए और जान का खतरा बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, कम से कम यहाँ के बाद में देखिए यहाँ तक। लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सपोर्ट वॉल्यूम हाई था, क्या था, एक्सपोर्ट वॉल्यूम हाई था, पूरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से वो ले जाके ब्रिटेन में क्या प्रोसेसिंग कर रहा था, तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो था क्या था, हाई था। अब चूंकि एक्सपोर्ट वॉल्यूम हाई था तो क्या होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस भी होगा, वो भी हाई होगा। लेकिन कभी भी ये हमको वो पैसा नहीं दिया, एक्सपोर्ट तो होता था लेकिन उसका बुक एडजस्टमेंट से क्या करता था, एडजस्टमेंट कर देता था। मालिक था, शासक था, फिरंगी था, दिमाग तो लगाता ही था, ये बोला कि देखिए भाई साहब, आपके सरकार को चलाने के लिए, आपके कंट्री को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए, खर्चा कौन बेयर करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो एक बड़ा सा इसका शेयर जो है वो किस में चला जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में वह एडजस्टमेंट कर लेता था। क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर लेता है। जो पैसा हमारे हिंदुस्तान का ड्यू था, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, अगर वो पैसा आता तो हमको कोई बद से बदतर हालत नहीं होता, लेकिन वो पैसा हमको नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो एडजस्ट करता था कि आपकी सरकार को चलाने के लिए पैसा लगता है, आपके सरकार को चलाने के लिए इंसान की जरूरत होता है, आपके सरकार को चलाने के लिए व्यवस्था की जरूरत होगा, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा बात वो बोलता था कि देखिए, जब आप व्यवस्था की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें क्या चाहिए? इनपुट चाहिए सर्विसेज का, हमें अच्छे स्किल्स वाले लोगों को ब्रिटेन से यहां मंगाना पड़ेगा, आर्किटेक्ट को मंगाना पड़ेगा, इंजीनियर को मंगाना पड़ेगा, तरह तरह के प्रोफेशन के लोगों को मंगाना पड़ेगा। तो हम बोले कि वो बोल रहे थे कि हमको इंपोर्ट जो है इनविजिबल का करना पड़ेगा। तो इनविजिबल के नाम पे मतलब सर्विसेज के नाम पे इंपोर्ट में वो काफी सारा लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट कर लेते थे, दूसरा वाला एडजस्टमेंट। और तीसरा वाला बोलिए कि देखिए, अगर कोई ब्रिटेन के साथ में लड़ाई हो रहा है, अगर कोई ब्रिटेन के साथ में वर्ल्ड वार हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर ब्रिटेन पे कोई होगा तो उसका असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा। तो आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई एक है, अगर हमको अपने आप को डिफेंड करना है तो एज गुड एज आपको डिफेंड करना है, तो इसका खर्चा भी आपको बेयर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो क्या कर रहा था, ब्रिटिश वार एक्सपेंसेस, ब्रिटिश वार एक्सपेंसेस मतलब ब्रिटेन का जो वर्ल्ड वार के जो एक्सपेंसेस थे, वह भी हमारे इस जो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो वॉल्यूम था, जो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, उसमें से एडजस्ट कर लेता। मतलब हमें कुछ मिलता था बाबा जी का ठेंगा, वो सारा बुक एडजस्टमेंट करके, पूरा एडजस्टमेंट करके हमको कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं करता था, लेकिन हमारे यहां से हमारे देश को खोखला कर रहा था। तो डिस्पाइट जब तक अंग्रेज था, हम एक्सपोर्ट सरप्लस थे, लेकिन कभी भी ये पैसा को हमको वहां से रिटर्न नहीं किया, जबकि अंग्रेज से पहले हमारे पास पैसा हमारे देश में आता था तो हम मजबूत थे, लेकिन यह पैसा नहीं आया। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा बुक एडजस्टमेंट हुआ, बुक एंट्री हुआ, तरह तरह के खर्चे दिखा करके, बुक एंट्री पास करके, एडजस्टमेंट करके, हमको हमारा शेयर नहीं मिला। और हमको हमारा शेयर नहीं मिला तो वी बिकम गोल्डन बर्ड्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट इकोनॉमी, गोल्डन बर्ड्स टू वर्ल्ड्स पुअरेस्ट इकोनॉमी। और उनका इंटेंट क्लियर था, एक ही था, और वह क्या था, लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन। दैट वॉज द होल इंटेंट बिहाइंड दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट, लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये सारा स्ट्रक्चर में आपने देखा कि हमको हमारा हक नहीं मिलता था, बिकॉज उनका इंटेंट था लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन, और इसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है बैड से वर्स होता गया। और हम जब हमें आज़ादी मिला, हमें एक ऐसा हिंदुस्तान मिला जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था, अपने पाँव पे दौड़ नहीं सकता था। That was the whole story behind this India's foreign trade on the eve of independence. So I wish you all the very best. Stay connected. Keep watching. We are trying with the available resources to make this topic of Indian economy more interesting, more exciting, provided all of you stay connected with us. Thank you and all the best.